हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपका इकोनॉमिक्स की 11th क्लास में दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स से, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या है कि किस चीज़ की स्टडी करता है कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन इस तरीके से करना है कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। स्कार्स क्या होता है? कमी, कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या हैं? कम हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, इस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो जो हमारा रिसोर्सेज है, हमारे नीड्स को पूरी करने वाला, वो क्या है? मनी है। और मनी इस टाइम पे हमारे पास क्या है? बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन हमारी वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हमें उसका यूज़ इस तरीके से करना है कि जो हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट हमें डिफाइन क्या है? कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वॉन्ट्स। तो कंज्यूमर कौन होता है? कि जो अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है। नेक्स्ट क्या? कंजम्पशन। इट इज़ डिफाइंड एज द यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय अ हाउस होल्ड। तो इसको हम क्या बोला जाता है? जो गुड और सर्विसेज हमने जब बाय कर ली है और अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? कंजम्पशन कहलाएगी। ठीक है, कंजम्पशन का सिर्फ मीन्स खाने से नहीं है कि आपने, आपका आइसक्रीम खाने का मन था तो आपने आइसक्रीम खाई, तो जो आपने खाया तो वो कंजम्पशन कहलाएगा। अगर आपका, आपने कार परचेज की अपने यूज़ के लिए, तो आप जो वो यूज़ कर रहे हो कार को, तो वो कंज्यूम कर रहे हो आप उसे, तो वो सर्विस, आपने कार को बाय करा है, तो वो भी क्या कहलाएगी? आपकी कंजप्शन ही कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोड्यूसर। अ प्रोड्यूसर इज समवन हु क्रिएट्स एंड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। प्रोड्यूसर क्या कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करता है और उनकी सप्लाई कहाँ करता है? मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करा जाता है? रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक यूजफुल थिंग बनाई जाती है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर को बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगी हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका रॉ मटेरियल बन के क्या तैयार हुआ है? आपका मार्कर। तो अब ये यूजफुल थिंग बन चुका है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेविंग। तो सेविंग तो आप सबको पता भी होगा, इट इज़ दी पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम। तो ये हमारी इनकम का वो पार्ट है जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या? इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द परचेज ऑफ गुड दैट इज नॉट यूज्ड टुडे बट इज़ यूज्ड इन द फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ और इनकम। तो ये वो गुड्स का परचेज है जिनको हम अभी यूज़ नहीं करते हैं, आज के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि किस लिए यूज़ करते हैं? कि फ्यूचर में हमें कुछ बेनिफिट देंगे, इनकम जनरेट करके देंगे। नेक्स्ट हमें डिफाइन किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कार्स मीन्स आर ऑलवेज सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कि वो एक्टिविटी जो किससे रिलेट करती है? जो हमारे स्कार्स मीन्स है, मीन्स क्या? रिसोर्सेज हैं, उनसे रिलेट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे मीन्स हैं वो हमेशा स्कार्स हैं, किसके रिलेशन में? हमारे वॉन्ट्स के रिलेशन में। कम है हमारे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है, और जो हमारे वॉन्ट्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट हमारे डिफाइन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहलाती है। किसकी वजह से अराइज होती है ये? कि जो स्कार्सिटी की वजह से राइज होती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से राइज होती है, जिनके क्या हैं? अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अब इस टाइम पे ये दोबारा एग्जांपल लॉकडाउन का लेते हैं। आपके पास 400 रुपीज़ है, ठीक है, आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है, ठीक है, एक तरफ आपकी पूरी फैमिली है और एक तरफ आपको कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, और एक तरफ क्या है कि आप उसमें राइस बाय कर सकते हो जो आपकी पूरी फैमिली काफ़ी दिन तक खा सकती है, ठीक है। तो आपके पास 400 है, आपका जो रिसोर्स है वो क्या है? कम है, ठीक है। आप पिज़्ज़ा बाय नहीं करोगे, आपके सामने क्या है अभी? आपको फैमिली को देखना है, ठीक है,
लॉकडाउन है तो हमारे जो रिसोर्स हैं लिमिटेड है, इस टाइम हमारे पास जो मनी है, तो आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अल्टरनेटिव यूजेज आ गए उस मनी के, ठीक है, तो आपका रिसोर्स क्या है, स्कार्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पिज़्ज़ा को छोड़ देंगे और हम किसे ऑप्ट करेंगे जो हमारे लिए अभी बहुत ज़रूरी है, राइस, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।